भारत में भगवान गणेश को समर्पित कई मंदिर हैं, जिनका पौराणिक महत्व है। गणेश चतुर्थी के दौरान लोग अपने अपने घरों में शहर के गणेश पंडालों में गणेश प्रतिमा स्थापित करते हैं और इन मंदिरों के दर्शन के लिए भी जाते हैं। गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है और उनकी पूजा पारंपरिक रूप से किसी भी बड़े आयोजन से पहले की जाती है। जयपुर के प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी का भव्य उत्सव 7 सितंबर को मनाया जाएगा। पंचामृत अभिषेक से इस महोत्सव का शुभारंभ होगा। ये उत्सव 31 अगस्त से प्रारंभ होगे, 9 दिनों तक चलेगा, जिसमें विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 31 अगस्त को पुष्य नक्षत्र के साथ भगवान गणेश के पंचामृत अभिषेक से इस महोत्सव का शुभारंभ होगा। इस अभिषेक में 251 लीटर दूध, 25 किलो बूरा, 50 किलो दही, 11 किलो शहद और 11 लीटर घी का उपयोग किया जाएगा। इसके पश्चात 501 महिलाएं कलश यात्रा लेकर मोती डूंगरी मंदिर पहुंचेंगी। श्री गणेश जी महाराज का जन्मोत्सव 7 सितंबर शनिवार को मनाया जाएगा। श्री गणेश चौक जयपुर में इसको डंका चौक भी कहते हैं। भगवान के जन्मोत्सव के कार्यक्रम 31 अगस्त पुक्ष पंचामृत अभिषेक से प्रारंभ होंगे। इसके अंदर दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से स्नान होंगे, भगवान का अभिषेक किया जाए। करीब 500 महिलाओं द्वारा कलश यात्रा से गंगा जल लाया जाएगा, पहले उससे अभिषेक होगा। 1 सितंबर की शाम 7 बजे से मंदिर परिसर में ध्रुपद गायन का आयोजन होगा। माना जाता है कि भगवान गणेश को ध्रुपद गायन अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन भजन संध्या ध्रुपद के साथ आरंभ होगी। इसके बाद 2 और 3 सितंबर को शाम को कथक नृत्य का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जयपुर की परिपाटी के अनुसार भगवान के मेहंदी धारण होगी, भगवान के डंके धारण होंगे, भगवान एक विशेष पोशाक के अंदर विराजमान होंगे। 4 सितंबर को भगवान गणेश के समक्ष मोदकों की भव्य झांकी सजाई जाएगी। इसमें 251 किलोग्राम के 2 विशाल मोदक, 51 किलोग्राम के 5 मोदक, 21 किलोग्राम के 21 मोदक और 1.25 किलोग्राम के 1100 मोदक शामिल होंगे। इन मोदकों को तैयार करने के लिए लगभग 2500 लीटर शुद्ध घी, 3000 किलोग्राम बेसन, 9000 किलोग्राम शक्कर और 1100 किलोग्राम सूखे मेवों का उपयोग किया जाएगा। विभिन्न प्रकार के मोदक भगवान के अर्पित करे जाएंगे और संध्या को 5 बजे से भगवान के प्रसाद स्वरूप मोदक बांटे जाएंगे। इस रोज बहुत सारे भक्तजन अपनी मनोकामना के लिए 21 मोदक, 108 मोदक, 1000 मोदक भगवान के नामावली के अनुसार अर्पित करें। 6 सितंबर को भगवान गणेश का संजारा मनाया जाएगा, जिसमें उन्हें 3100 किलोग्राम मेहंदी धारण कराई जाएगी। यह मेहंदी पाली के सोजत से मंगवाई जाएगी। इस दिन भगवान गणेश को स्वर्ण मुकुट धारण कराया जाएगा और वे चांदी के सिंहासन पर विराजमान होंगे। मंदिर में विशेष श्रृंगार के दौरान भगवान को नौलखा हार भी धारण कराया जाएगा। मेहंदी मेरे ख्याल से 4500 किलो के करीब है, जो सोजत की है। और ये तो बेटा, इसके अंदर तो ये है कि खत्म हो जाती है तो उसी टाइम और मंगा के अर्पित करी जाती है, जिससे किसी भी भक्त को उसकी मनोकामना के अंदर कमी नहीं आए। 7 सितंबर को भगवान गणेश का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस दिन सुबह 4 बजे मंगला आरती के साथ दर्शन शुरू होंगे। दिन भर में विभिन्न आरतियां और विशेष पूजन आयोजित होंगे, जिनमें 11:20 पर विशेष पूजन और 11:30 पर श्रृंगार आरती शामिल है। 7 सितंबर को प्रातः 4 बजे मंगला आरती से
भगवान के दर्शन सभी भक्तजनों के लिए खुल जाएंगे। जो रात्रि 11:45 तक खुले रहे, वैसे आपको मैं एक निवेदन कर दूं, पिछले कई साल से कोई पार्टी है, क्योंकि भगवान के हजारों की तादाद में गांवों से यात्राएं आती हैं, उनकी सुविधा के लिए भगवान के पट रात्रि को भी खुले रहते हैं। ये पुलिस प्रशासन के ऊपर और मंदिर प्रशासन के जो समझो अंडरस्टैंडिंग होती है उस हिसाब से होता है। इससे किसी भी भक्तजन को परेशानी नहीं, क्योंकि वो भक्तजन 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहे हैं, इसलिए वो उनकी सुविधा है। दर्शनों के लिए बैरिकेडिंग का मंदिर की ओर से पुख्ता इंतजाम है, बैरिकेडिंग मंदिर की स्वयं की है और वो लगाई जाएगी, छाया की व्यवस्था भी करी जाएगी, जगह जगह स्वयं सेवक पानी की व्यवस्था करेंगे और ये सेवा है, इसी में सभी आमंत्रित हैं। 8 सितंबर को भगवान गणेश की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह शोभा यात्रा शाम को मोती डोंगरी मंदिर से प्रारंभ होकर एमडी रोड, जोहरी बाजार, त्रिपोलिया बाजार, गणगौरी बाजार, नाहरगढ़ रोड होते हुए गढ़ गणेश मंदिर तक जाएगी। इस बार झांकियों में कोशिश ये करी गई है कि बड़े समाज छोटे समाज इन झांकियों से जुड़े, जिससे एक अच्छा वातावरण पैदा हो। इसमें मंदिरों को जोड़ने की भी कोशिश करी गई है कि मंदिर भी जुड़ें। उसमें खाटू श्याम जी की भी आपको एक झांकी दिख सकती है, मेहंदीपुर बालाजी की भी दिख सकती है। वो प्रयास करे जा रहे हैं, कुछ मंदिरों का कन्फर्मेशन आ गया, इसमें खोले गए हनुमान जी भी हैं, उनकी झांकियाँ इसके अंदर सम्मिलित। नगर निगम ग्रेटर की महापौर सौम्या गुजर और आयुक्त रुक्मणी रियाड ने आगामी गणेश चतुर्थी के पर्व और शोभा यात्रा को आयोजन को ध्यान में रखते हुए मोती डूंगरी गणेश मंदिर से धर्म सिंह सर्कल तक व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उत्सव के दौरान सुरक्षा के लिए 62 क्लोज सर्किट कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी 30 दिनों तक रिकॉर्डिंग की जाएगी। दर्शन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें 6 लाइनों में भक्त मंदिर में प्रवेश करेंगे और 6 लाइनों से वापस लौटेंगे। निशंत जनों और वृद्ध जनों के लिए विशेष रिक्शों की व्यवस्था भी की गई है।